तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर एक बाप और बेटी एक पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं। इस पहाड़ी का नाम होता है ट्रोल पहाड़ी। इस लड़की का नाम होता है नौरा। नौरा के फादर उसको बताते हैं इस पहाड़ी के बारे में। दरअसल नौरा के फादर का ऐसा कहना है कि ये पहाड़ दरअसल एक जीव है जिनका नाम है ट्रोल, और इन ट्रोल के बारे में एक कहानी फेमस है कि एक बार 13 ट्रोल एक शादी में पी के धुत थे कि तभी सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ी और वो पत्थर बन गए। नौरा के फादर बताते हैं कि ट्रोल का दोस्त अंधेरा है और सूरज की रोशनी उनकी दुश्मन, और नौरा को ये सिर्फ एक कहानी लगती है। और अब कहानी स्टार्ट होगी 20 साल बाद से, जहां हमको दिखाई जाती है नौरा। नौरा है एलियनटोलॉजी की प्रोफेसर और वो डायनासोर के अवशेषों को ढूंढती है, और इस जगह पर खूब मेहनत करने के बाद उसको आखिरकार डायनासोर के अवशेष मिल जाते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है जहां पर एक पहाड़ी को गवर्नमेंट के ऑर्डर पर लोग उड़ाने वाले थे, और यहां पर कई लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि प्रकृति को नष्ट मत करो, पर यहां के वर्कर इन सभी की बातों को इग्नोर करते हैं और इस पहाड़ी में ब्लास्ट कर देते हैं। और ये लोग पहाड़ के अंदर कुछ चेक करने जाते हैं कि तभी उस पहाड़ में पूरी हलचल होती है और ये सभी लोग उसके नीचे दब के मर जाते हैं। और ये पहाड़ी होती है डोगरा की पहाड़ी। और अब सिक्योरिटी टीम को ये मालूम चलता है कि यहाँ पर कुछ दुर्घटना हुई है, और ये लोग चेक करते हैं तो इनको वहाँ पर काफी बड़ा होल दिखता है। और अब ये खबर मिलती है प्रेसिडेंट को कि पहाड़ी पर क्या हुआ, और ये प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी होता है और इसका नाम होता है एंड्रियास। और एंड्रियास को ये पैरों के निशान लगते हैं, और प्रेसिडेंट कहती है कि इसकी जांच के लिए एक्सपर्ट को बुलाओ। और इन्हीं एक्सपर्ट में से होती है एक नौरा, और यहाँ पर एक मिलिट्री ऑफिसर आता है नौरा को लेने, और नौरा उनके साथ जाती है। पर नौरा को ये समझ में नहीं आता कि आखिर उसका यहाँ पर क्या काम है, कि तभी मीटिंग में सभी लोग उस निशान को कुछ और बता रहे होते हैं। तभी नौरा कहती है कि तो पैरों के निशान लगते हैं, और सुरक्षा मंत्री उस पर हंसता है। पर प्रधानमंत्री नौरा और एंड्रियास को वहाँ की जांच करने के लिए भेजते हैं। नौरा और एंड्रियास उस निशान को दोबारा से चेक करने जाते हैं। एंड्रियास बातूनी आदमी होता है, वो नौरा को बताता है कि वो प्रेसिडेंट का एडवाइजर नहीं बनना चाहता था, उसका पैशन कुछ और है, उसको किताब लिखना पसंद है। पर नौरा उसकी बात को इग्नोर करती है क्योंकि नौरा का ध्यान कहीं और होता है, वहाँ पर टूटे हुए घर पे। और यहीं पर हमको एक ऑफिसर दिखाया जाता है। इस आर्मी ऑफिसर का नाम होता है क्रिस्टोफर। नौरा उनसे पूछती है कि क्या हुआ, आपको यहाँ पर क्या दिखा। तभी औरत बताती है कि वो एक बहुत बड़ी परछाई थी, जैसे कि मेरे सामने कोई पहाड़ हो, और उसकी आवाज ऐसी थी कि जैसे वो रो रहा हो। और नौरा और एंड्रियास उस बड़े निशानों का पीछा करते हैं, पर ये निशान एक जगह पर आकर एकदम से गायब हो चुके थे कि तभी वहाँ पर नौरा के पास एक वीडियो आती है। वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें से किसी एक के कैमरे में ये रिकॉर्ड हुआ, जहाँ पर ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी चीज चलती फिरती है। और नौरा यहाँ पर एकदम से घबरा जाती है, और वो कहती है कि अब हमारी हेल्प एक ही आदमी कर सकता है, और वो थे नौरा के फादर। और वो अपने फादर के पास जाती है, पर उसके फादर सभी पर गन तान देते हैं। दरअसल उसके फादर ये प्रूफ करने में लगे थे कि ट्रोल असली में होते हैं। ट्रोल दरअसल मिट्टी और पहाड़ों से बने बड़े दानव होते हैं, और इसी बात को प्रूफ करने के लिए नौरा के फादर लगे हुए थे, पर सरकार ने उनको पागलखाने में डाल दिया। और इसी चक्कर में नौरा उनके साथ नहीं रहती, और अब नौरा के फादर यहीं पर रहते हैं अकेले। नौरा कहती है कि ये क्या है, तब उसके फादर सीधा बोलते हैं कि ये ट्रोल है। पर नौरा उनकी बात पे यकीन नहीं करती और अपने पापा से बहस करने लगती है, और नौरा के फादर उसको सबूत दिखाते हैं, कहते हैं कि ट्रोल को विलुप्त कर दिया गया, ट्रोल पहले जिंदा थे। और अब नौरा के फादर सभी के साथ वहीं पर जाते हैं जहां से ये निशान गायब हो गए, और नौरा के फादर वहां पर जाकर मिट्टी को सूंघने लगते हैं। और ये देखकर इनको ऐसा लगता है कि नौरा के फादर पागल है, कि तभी उन पहाड़ों में से एक आंख खुलती है, और इसको देखकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं, और एक मिट्टी और पत्थर से बना हुआ दानव खड़ा हो जाता है। दरअसल यही ट्रोल था, और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और जैसे ही उसकी वीडियो ऑफिसर्स के पास जाती है तो ये लोग उसको देखकर पूरी तरीके से चौंक जाते हैं, और नौरा के फादर सुरक्षा मंत्री को बताते हैं कि वो एक ट्रोल है। पर सुरक्षा मंत्री उनकी बातों को इग्नोर करता है क्योंकि वो अपनी बातों पे अड़ा था, और वो कहता है कि ट्रोल को मारना ही एकमात्र रास्ता है। पर नौरा के फादर ऐसा नहीं चाहते, और इसी वजह से नौरा को इस मिशन से आउट कर दिया जाता है, क्योंकि दरअसल ये सभी लोग अब उस ट्रोल पर अटैक करने वाले थे सुरक्षा मंत्री के कहने पर। और नौरा क्रिस्टोफर से रिक्वेस्ट करके उसके साथ चली जाती है अपने फादर और एंड्रियास के साथ, और ये लोग वहाँ पर अपने हथियार लेकर तैयार खड़े थे जहाँ पर ट्रोल आने वाला था। और जैसे ही ट्रोल वहाँ पर आता है सभी लोग मिलकर उस पर हमला कर देते हैं, पर ये ट्रोल काफी ताकतवर था और इस पे कोई भी हथियार का असर नहीं हो रहा था, और सभी लोग काफी परेशान थे कि आखिर इसको कैसे मारे। कि तभी नौरा के फादर उस ट्रोल के सामने खड़े हो जाते हैं और उसको शांत करने की कोशिश करते हैं, और ये ट्रोल उनकी बात सुनता भी है कि
तभी एक आर्मी का सोल्जर उस पर अटैक करता है और जैसे ही ट्रोल पीछे मुड़ता है उसकी पूंछ नोरा के फादर के सिर में लगती है और नोरा के फादर वहाँ पर घायल हो जाते हैं और अपनी आखिरी सांस में नोरा से कहते हैं रॉयल पैलेस और अपना दम तोड़ देते हैं। और नोरा इस बात से काफी दुखी हो जाती है और क्रिस्टोफर उसको बताता है कि सभी लोग मिलकर उस ट्रोल पर दूसरा हमला करने वाले हैं, पर नोरा कहती है कि ऐसा करना गलत है। और नोरा ट्रोल की कहानियां पढ़ती है जहाँ पर उसको मालूम चलता है कि ट्रोल रात में ही निकलते हैं, वो दिन की रोशनी नहीं झेल सकते और वो लोग चर्च की घंटियों से काफी डरते हैं। और नोरा, एंड्रियास और क्रिस्टोफर तीनों आर्मी के ऑफिसर से रिक्वेस्ट करते हैं इस तरीके को आजमाने के लिए और उनको परमिशन मिल जाती है और ये लोग उस ट्रोल के सामने घंटियां बजाते हैं और ये ट्रोल उससे परेशान होने लगता है और उन घंटी बजाने वाले हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है, पर वो एक बच्ची को वहाँ पर बचाता भी है जिससे हमको मालूम चलता है कि ट्रोल किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, वो सिर्फ अपना बचाव कर रहा है और वो किसी ऐसी जगह पर जा रहा जहाँ पर वो जाना चाहता है और वो हमको आगे मालूम चलेगा। पर ये एक पब्लिक प्लेस था और इसकी वजह से अब सभी को ट्रोल के बारे में मालूम चल चुका है और ये बात मीडिया में फैल चुकी है और मीडिया इस पे काफी बातें बना रहा और इस बात से प्रेसिडेंट काफी परेशान हो चुकी है क्योंकि उनकी सरकार खतरे में है और अब वो लोग नोरा को इस मिशन से पूरी तरीके से आउट कर देते हैं कि वो इस मिशन के आसपास भी नहीं भटकेगी। और एंड्रियास को ऐसा लगता है कि नोरा सही है तो वो अपनी जॉब छोड़कर नोरा के साथ आ जाता है और क्रिस्टोफर उससे कहता है कि तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आ जाऊंगा। और सुरक्षा मंत्री के कहने पर प्रेसिडेंट उस ट्रोल पर मिसाइल का हमला करने के लिए परमिशन दे देती है। और अब जॉब छोड़ने के बाद एंड्रियास को ऐसा लगता है कि उसने गलती कर दी और नोरा अपने पापा की किताबों को पढ़ रही होती है जहाँ पर वो एक वर्ड देखती है सेंडिंग और उसको समझ में नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। तब एंड्रियास बोलता है कि सेंडिंग तो रॉयल पैलेस के किंग का नाम है पर उससे इस ट्रोल का क्या ही कनेक्शन होगा। पर तभी नोरा कहती है कि हम लोग वहीं पर जाएंगे और वहाँ पर जाते ही साथ इनको सेंडिंग मिलता है। दरअसल सेंडिंग इन सभी किस्सों के बारे में जानता था और वो इनको बताता है राज। वो बताता है कि ट्रोल दरअसल इसी जगह पर रहा करते थे जो कि आज पैलेस है, पर नॉर्वे में क्रिश्चियन लोगों की आबादी बढ़ गई थी और ट्रोल को चर्च की घंटियों से समस्या थी और वो चर्च पर पत्थर मारते थे और इसी वजह से सभी ट्रोल को यहाँ पर लाया गया और उनको धोखे से मार दिया गया। पर एक ट्रोल पर एक आदमी को दया आ गई और उसने उसको एक अंधेरी पहाड़ी में छोड़ दिया और हमने देखा था कि स्टार्टिंग में उन वर्कर ने उसी पहाड़ी को उड़ा दिया था इसलिए ट्रोल बाहर निकल आया। सेंडिंग बताता है कि ट्रोल इसी पैलेस में आ रहा क्योंकि यही उसका घर है, पर नोरा ये जानती है कि ट्रोल अंधेरे में ही बाहर निकलते हैं और रोशनी उनकी दुश्मन है और वो क्रिस्टोफर से कहती है कि हम लोग एक जगह पर उस ट्रोल को लाएंगे और उसकी बॉडी पर रोशनी डालेंगे। और क्रिस्टोफर अपने दोस्तों की हेल्प से वहां पर काफी बड़ी टीम के साथ लाइट लगा लेता है और नोरा एक गाड़ी में ट्रोल के पूर्वज की हड्डी लेकर उसके नीचे से गुजरती है और ट्रोल वहाँ पर भड़क जाता है और उनका पीछा करने लगता है और वहीं पर आ जाता है जहाँ पर क्रिस्टोफर अपनी टीम के साथ तैयार था और वो उस ट्रोल पर रोशनी डालता है और जिस मिसाइल से सरकार इस ट्रोल पर हमला करने वाली थी उस मिसाइल के सिस्टम को एंड्रियास के दोस्त ने हैक कर लिया था एंड्रियास के कहने पर उसकी दोस्त पकड़ी जाती है और अब मिसाइल रेडी थी उस पे हमला करने के लिए। पर जैसे ही जेट वहाँ पर आता है वो कहता है कि यहाँ पर लोग हैं और आर्मी ऑफिसर इस मिशन को रोक देता है, पर सुरक्षा मंत्री प्रेशर डालता है अटैक करने के लिए और तभी एंड्रियास की दोस्त उसका मुंह तोड़ देती है और यहाँ पर ट्रोल को काफी दर्द होता है और ये देखकर नोरा को काफी तकलीफ होती है और वो लाइट बंद करवा देती है। पर इतने में ही दिन का उजाला हो जाता है और ये ट्रोल जलने लगता है और तड़पते हुए नीचे गिर जाता है और मरकर एक पहाड़ बन जाता है और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और प्रेसिडेंट नोरा से कहती है कि तुमने मुझको गलत साबित कर दिया और आखिर में एंड्रियास मजाक में नोरा से कहता है कि शायद इसके जैसे और भी हो सकते हैं। और हमको एंड क्रेडिट में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पहाड़ में हलचल होती है और कोई चीज बाहर निकलती है और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। और अगर आपको ऐसी ही मूवी देखना पसंद है तो आप ये साइड वाली वीडियो को भी देख सकते हो।